बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दिस इज़ लैब ट्यूटोरियल फॉर लैब नंबर 13 एंड वीक 13 एंड आई एम मोहम्मद नुमान इकबाल एंड बरानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज हम देखेंगे कि बेसिकली सीक्वल ट्रिगर्स में टेम्पररी टेबल्स कौन कौन से होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। तो नाउ कम टूवर्ड द कोड विंडो विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो सीक्वल ट्रिगर्स temp tables, this is the today's motto of our lecture. Basically temp tables ya temporary tables hote kya hai, which are for now self created by DBMS and self destructed by DBMS. ट्रिगर्स की हम बात कर रहे हैं कि ट्रिगर में जो टेम्पररी टेबल होंगे वो कौन क्रिएट करता है। डीबीएमएस खुद क्रिएट करता है और ख़ुद ही उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब डिलीट कर देता है। तो जो हमारे पास टेम्प टेबल होगा वो ट्रिगर कॉल पे जो है वो क्रिएट होगा, ठीक है, और ट्रिगर एंड पे वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब जैसे ही आपका ट्रिगर कॉल हुआ टेम्पररी टेबल क्रिएट होंगे और जब वो एग्जीक्यूट होके ट्रिगर एंड हो जाएगा तो वो सारे के सारे ट्रिगर्स क्या हो जाएंगे, टेबल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। टेम्प टेबल्स आर कौन कौन से टेम्प टेबल्स हैं हमारे पास? वी हैव इंसर्टेड टेम्प टेबल एंड वी हैव डिलीटेड टेम्प टेबल्स। ये दो टेम्प्रेरी टेबल्स हैं जो कि हमारे पास क्रिएट होते हैं। कब क्रिएट होंगे? जैसे ही ट्रिगर कॉल होगा ये दोनों टेबल्स क्रिएट होंगे और जैसे ही टेबल जो है वो ट्रिगर ख़त्म होगा एंड स्टेटमेंट इशू होगी ये दोनों टेबल्स जो है वो ऑटोमेटिकली डिलीटेड होंगे, डिलीट हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। उसके बाद ये चीज़ होती है कि इंसर्टेड और डिलीटेड टेबल का स्कीमा क्या होगा, इसमें कौन कौन से कॉलम्स होंगे। तो बेसिकली जिस टेबल के ऊपर ट्रिगर कॉल हो रहा होता है इन दोनों का स्कीमा हूबहू वैसा ही होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, क्रिएट ट्रिगर, लेट से शो मी ऑन स्टूडेंट आफ्टर इंसर्ट। तो बेसिकली ये जो मैंने कोड लिखा है ये ट्रिगर कब कॉल होगा, जब स्टूडेंट के टेबल में डेटा इंसर्ट हो चुका होगा। तो इसका मतलब है कि अब जो हमारे पास ट्रिगर बनेंगे इंसर्टेड और डिलीटेड के, उन दोनों टेबल का स्कीमा, स्कीमा से मतलब कॉलम नेम, बिल्कुल किस तरह के होंगे, स्टूडेंट टेबल जैसे, डेटा फर्क होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली स्कीमा उस टेबल जैसा होगा जब टेबल, जिस टेबल की बेस पर ट्रिगर कॉल होता है। अब उसमें डेटा क्या होता है, इंसर्टेड के टेबल में न्यू डेटा विच इज टू बी इंसर्टेड इनटू टेबल, और डिलीटेड के केस में ओल्ड डेटा विच इज टू बी डिलीटेड फ्रॉम टेबल। मतलब करंटली उस ट्रिगर की वजह से जो डेटा इंसर्ट हो रहा है वो सिर्फ इंसर्टेड के टेबल में जाएगा और डिलीटेड के टेबल में वो डेटा जो डिलीट हो रहा है टेबल में से वो सिर्फ डिलीटेड टेबल में जाएगा। इट इज़ क्वाइट यूजफुल। फॉर एग्जांपल लेट अस से हम यहाँ पे करते हैं जी क्रिएट ट्रिगर शो इंसर्टेड ऑन स्टूडेंट आफ्टर इंसर्ट एज बिगिन एंड, यहाँ पे मैं सिंपल करता हूँ जी सेलेक्ट टेरिक फ्रॉम इंसर्टेड, ठीक है। देखिए उसने खुद भी दिखा दिया मुझे। अब हमें पता है कि जब डेटा टेबल में इंसर्ट होता है तो डीबीएमएस हमें बताता है इतनी रोज अफेक्टेड, पर क्योंकि हमने अब ट्रिगर लगाया है तो जब ट्रिगर की बॉडी चलेगी तो ये इंसर्टेड का टेबल उसको हमें दिखाना चाहिए, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको स्टूडेंट का टेबल दिखाता हूँ। स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट के टेबल में दो रिकॉर्ड हैं, अली और आमना का,
तो हम एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, लेट्स से रजिस्ट्रेशन नंबर R103, नेम इज उसामा, उसामा एज 21 एंड CGPA 3.5, जेंडर M एंड सिटी इज इस्लामाबाद। अब देखें कि करंटली ये वाला डेटा इंसर्ट हो रहा है, तो जैसे ही ये डेटा इंसर्ट होगा फौरन से ट्रिगर कॉल होना चाहिए, जैसे ही ट्रिगर कॉल होगा तो ये वाली स्टेटमेंट चलनी चाहिए। तो बेसिकली किस डेटा की वजह से ट्रिगर कॉल होगा, इस डेटा की वजह से ट्रिगर कॉल होगा। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो देखें मेरे पास जो उसने जो मुझे डेटा दिखाया वो वाला डेटा दिखाया, इंसर्टेड टेबल चलाया ना उसने, तो इंसर्टेड में वो वाला डेटा आता है जो करंटली जिसकी वजह से ट्रिगर कॉल हो रहा होता है, पुराना डेटा नहीं वो शो करवाएगा मुझे, उसने सिर्फ मुझे वो डेटा दिखाया जिसकी वजह से ट्रिगर जो है वो कॉल हुआ। तो क्योंकि ये नया डेटा जाना था इसलिए ये किस में गया, इंसर्टेड के टेबल में, ठीक है। तो इंसर्टेड और इन टेम्परेरी टेबल्स में सिर्फ वही डेटा जाएगा जो करंटली उस ट्रिगर की वजह से या तो इंसर्ट हो रहा होता है या डिलीट हो रहा होता है, ठीक है। तो अब अगर हम टेबल को व्यू करें, सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, तो आप देखें तीनों रिकॉर्ड उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे जो डेटा जा रहा होता है वो उस टेबल में मूव करेगा। सिमिलरली डिलीटेड की टेबल उसमें भी ऐसे ही होगा। लेट अस से हम एक डिलीट की क्वेरी कर लेते हैं, क्रिएट ट्रिगर शो डिलीटेड ऑन स्टूडेंट आफ्टर डिलीट एज बिगिन एंड सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिलीटेड। एग्जीक्यूट हो गया, अब डिलीट की क्वेरी लिखते हैं, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रेज नंबर इक्वल्स टू R101। अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो देखिए उसने सिर्फ वही रिकॉर्ड मुझे दिखाया जो बेसिकली डिलीट हुआ उस टाइम पर, डिलीट हुआ तो इस टाइम पे कौन सा रिकॉर्ड डिलीट हुआ, R11 वाला, ठीक है। तो इंसर्टेड और डिलीटेड में वही रिकॉर्ड जाते हैं जो करंटली अफेक्ट हो रहे होते हैं फ्रॉम स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब लास्ट चीज इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि अच्छा इंसर्टेड और डिलीट, तो अपडेटेड के केस में जो है वो क्या सिनेरियो होगा, तो अपडेटेड इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। अपडेट के केस में लेट अस, ये हमारे पास टेबल है और मैं क्या करता हूँ कि आमना जो है उनका सिटी चेंज करके लाहौर कर देता हूँ, तो बेसिकली वो सिर्फ कॉलम चेंज नहीं करता, वो पहले इस पूरी रो को डिलीट करता है और सेम टू सेम रो में जहाँ पे आपने अपडेट की होती है उसको चेंज करके इंसर्ट कर रहा होता है। तो अपडेट के केस में दोनों काम हो रहे हैं, पुरानी वैल्यू पुरानी रो डिलीट हो रही होती है और नई रो जो है वो इंसर्ट हो रही होती है। तो इसका मतलब है जो पुरानी रो डिलीट होती है वो डिलीटेड के टेबल में जाएगी और जो इंसर्ट होती है वो इंसर्टेड के टेबल में जाएगी, ठीक है जी। तो बेसिकली द सिचुएशन विल बिकम क्रिएट ट्रिगर शो अपडेटेड ऑन स्टूडेंट आफ्टर अपडेट एज बिगिन एंड सेलेक्ट static from inserted static from deleted, क्योंकि अपडेट के केस में डेटा इंसर्ट भी हो रहा होता है और डेटा डिलीट भी हो रहा होता है, ठीक है जी। अब इसको कॉल करा के देखते हैं, अपडेट स्टूडेंट, बेसिकली हम टेबल देख लेते पहले, बल्कि नहीं, अपडेट स्टूडेंट सेट एस सिटी इक्वल्स टू इस्लामाबाद where reg number equals to R102। तो इस केस में R102 क्योंकि आमना का रजिस्ट्रेशन था और इसका मतलब है कि आमना का, सॉरी हमने यहाँ पे लाहौर करना था, लाहौर, ठीक है। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करें तो ट्रिगर में क्या था कि उसने पहले इंसर्टेड का डेटा दिखाना था और बाद में डिलीटेड का, तो ये बेसिकली हमारे पास सिचुएशन आई है। इंसर्टेड में आप देखें कि वो सारा का सारी रो है पर सिटी क्या है, लाहौर, ये नया डेटा जो है वो उसमें सिटी लाहौर था
और डिलीटेड में बेसिकली क्या है, उसमें क्या था, रावलपिंडी जो पुराना रिकॉर्ड था वो उसने निकाला, जब वो निकालेगा तो डिलीटेड में जाएगा और नया रिकॉर्ड उसने अपडेट किया और उसमें क्या कर दिया, लाहौर। तो बेसिकली दिस इज़ द सिचुएशन जो कि इंसर्टेड और डिलीटेड के टेबल में एग्जिस्ट करती है। तो दिस इज़ हाउ टेम्प्रेरी टेबल वर्क्स। टिल देन इंशाल्लाह नेक्स्ट लैब में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़, सी यू गाइस।